Hello students, so we are going to discuss now another important point related to tenses. Tenses के topic जो अभी तक हम लोगों ने जो discuss किया उसमें exam point of view से एक और तरह का question है जो काफ़ी पूछा जाता है, उससे related rule क्या है वो देखते हैं. तो let's first go for the example. The example is, इस question को आप देखें, इसमें there are two tenses that are going to be used in this पर्टिकुलर सेंटेंस, और आपको देखना है कि क्या इसमें टेंस फॉर्म सही है या नहीं है. आई हैव नेवर एंड विल नेवर डू दिस मिस्टेक. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यू सी कि देयर आर टू टेंसेस. एक टेंस जिसे आप हैव के साथ लिखा हुआ है, आई हैव नेवर. सो हैव से आपको पता चलता है कि एक टेंस यहाँ है, और दूसरा टेंस है विल के साथ में जो फ्यूचर टेंस है, और उसमें लिखा है विल नेवर डू. तो डू इज द वर्ब फॉर्म एंड विल इज द हेल्पिंग वर्ब, गिव्स यू अ सेंस कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. इसमें एरर क्या है कि डू वर्ब जो यूज किया गया है, ये वर्ब डू अकॉर्डिंग टू विल तो ठीक है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर डू लिखा हुआ है, सही है. लेकिन हैव के साथ में ये हैव वाला पार्ट कंप्लीट नहीं लगता, हैव के साथ में इसका सही पार्ट यूज नहीं हुआ है. वर्ब डू हम हैव के साथ नहीं यूज कर सकते, बिकॉज आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी यूज हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर हैव के साथ में डू की थर्ड फॉर्म डन यूज करना होगा. तो इस सेंटेंस को अगर सही लिखें तो कैसे हो जाएगा, आई हैव नेवर डन एंड रिमेनिंग पार्ट इज करेक्ट. तो मैं रेस्ट पार्ट इज ओके. तो अब सेंटेंस हो गया, आई हैव नेवर डन एंड विल नेवर डू दिस मिस्टेक. तो ये कहता है ना तो मैंने कभी किया है, आई हैव नेवर डन, और ना ही आने वाले समय में कभी करूंगा, ये भविष्य की बात करता है. तो ये एरर को ध्यान में रखेंगे, इस तरह के एरर जिसमें एक ही टेंस की वर्ब फॉर्म लिखी गई जबकि दो अलग अलग टेंसेज यूज किए गए, इस तरह के सेंटेंसेज में आपको देखना होगा कि कौन सी वर्ब फॉर्म किस पर्टिकुलर टेंस में सही फॉर्म यूज की गई है या नहीं यूज की गई है. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन इस एग्जाम पॉइंट रूल के बाद में. अब हम आगे कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अभी तक आपने जितने भी टेंस से रिलेटेड जो पॉइंट्स समझे हैं, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है, लेट्स डू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. ओके, सो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस, वी रीच द स्टेशन बिफोर सनसेट. अब रीच से पहले एक ब्लैंक है, ब्लैंक के लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं, विल बी ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है शैल, सी ऑप्शन है विल, एंड डी ऑप्शन है शैल हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस को देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है. वी रीच द स्टेशन बिफोर सनसेट. अब चारों ऑप्शंस में आपके पास फ्यूचर ओरिएंटेड हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं, विल शैल विल बी शैल हैव. वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज की गई है रीच्ड इन द गिवन सेंटेंस. तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऑप्शन बी और सी यहाँ यूज नहीं कर सकते, यानी शैल और विल के साथ में हमने देखा था कि वी यूज ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो ये दोनों ऑप्शंस तो पॉसिबल नहीं है रीच्ड के साथ. ए और डी ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो ये कहता है वी विल बी रीच्ड. वी विल बी रीच्ड किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज नहीं किया जा सकता है. ये किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज किया नहीं जा सकता क्योंकि विल बी के साथ इधर वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, बिकॉज विल बी के साथ इधर वी यूज वर्ब आई एन जी फॉर्म. जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने देखा, पहले वीडियो में डिस्कस किया कि वी विल बी प्लेइंग टमोरो एट दिस टाइम, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश टमोरो इवनिंग. तो उस सेंटेंसेज में आई एन जी फॉर्म यूज किया जा रहा है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सो वी विल बी रीच्ड इज नॉट करेक्ट, वी आर लेफ्ट विद डी ऑप्शन, वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनसेट. यानी सनसेट से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं. एंड यू गेट द आइडिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि वी यूज इट फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस वेयर अ सर्टेन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय दैट टाइम. ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल. सीता रिटन अ नॉवल, ऑप्शन है आपके पास हैज, बी हैज बीन, सी ऑप्शन है इज, एंड ऑप्शन डी है शैल बी. सेंटेंस के
नेचर को देखते हैं, सीता रिटन अ नॉवल, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस ऑप्शन में आप इस तो यूज नहीं कर सकते, सीता इज रिटन ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीता शैल बी रिटन आपने देखा कि शैल बी का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये शैल बी और विल बी का यूज करते हैं वर्ब आई एन जी फॉर्म के साथ, और यूज करते हैं हम इसका पैसिव वॉइस में जब आप जो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। तो सीता रिटन अ नॉवल भी नहीं, इसमें आप सीता हैज रिटन अ नॉवल दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो हैज यहाँ पर होगा क्योंकि ये अपडेशन को बता रहा है ये ऑप्शन। हैज बीन रिटन नहीं हो सकता, ये पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है जब एक्शन खुद सब्जेक्ट के ऊपर किया जाए, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। मूविंग टू द थर्ड प्रॉब्लम, ड्रेविड नो यू एंड द ब्लैंक इज एट द बिगनिंग फॉलोड बाई ए क्वेश्चन मार्क, तो इस सेंटेंस में एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखता है। ऑप्शन ए है डज, बी ऑप्शन डू, सी ऑप्शन इज एंड ऑप्शन डी इज हैज। हैज वी कांट यूज क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जबकि नो का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इज ड्रेविड नो यू, वी डोंट यूज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विद मेन वर्ब, तो यहाँ पर इज के साथ यूज नहीं कर सकते। अब आपके पास ऑप्शन ए और बी है, डू और डज, सो ड्रेविड इज द सब्जेक्ट हियर, तो ड्रेविड कैसा सब्जेक्ट है, किसी एक पर्सन का नाम है, दैट्स वाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विल बी करेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है डज, डज ड्रेविड नो यू, डू वी यूज विद द प्लोरल सब्जेक्ट एंड आई यू वी दे जैसे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, आई ब्लैंक अ न्यू फोन लास्ट वीक, ऑप्शन ए देखिए ये कहता है आई एम बाइंग, ऑप्शन बी बॉट, सी ऑप्शन हैव बॉट एंड ऑप्शन डी बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए, ये आई एम बाइंग कहता है अ न्यू फोन लास्ट वीक, अब आपको टेंस देखना है कि लास्ट वीक जो समय है दैट इज द पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस, हेंस वी कांट यूज प्रेजेंट हियर, सो ऑप्शन ए नहीं यूज हो सकता। इसी तरह से ऑप्शन डी भी नहीं यूज हो सकता क्योंकि ये भी प्रेजेंट बाई को लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हैव बॉट आपके सामने है सी ऑप्शन में एंड बी ओ यू जी एस टी बॉट बी ऑप्शन में, सिंस लास्ट वीक की बात हो रही है यानी ये समय निकल चुका है इसलिए आप इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं यूज कर सकते, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, हैव बॉट सही नहीं होगा। हिंदी माध्यम के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो कई बार आपको ट्रांसलेशन करके ये बात समझ में आती है कि नहीं हैव भी ठीक है, हैव बॉट और हैज बॉट ठीक है। यहाँ आपको स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सेंटेंस में पास्ट का कोई टाइम मेंशन है देन यू आर ओनली सपोज टू यूज पास्ट टेंस, अगर एक्शन के पास्ट टेंस का टाइम मेंशन है, इफ द टाइम ऑफ द पास्ट इज मेंशन देन यू कैनॉट यूज you know present perfect tense, in case the time of the past is mentioned you cannot use present perfect tense, to aapko wahan par sirf simple past ko use karna hai, jaise ye clue aapko mil jata hai last week, agar last week yahan nahi likha hota aur ye kehta a new phone to aap yahan par I have bought bhi use kar sakte the, I have bought a new phone, aur uska purpose kya hota, purpose hota ki kisi ko update karna, yani you are going to inform someone, जो नहीं पता है कि आपका प्रेजेंट स्टेटस कि अभी आपके पास एक फोन है, तो इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ पर अ मोमेंट अगो भी लिखा हुआ है, एक क्षण पहले भी कोई बात है, तो एक क्षण पहले जो चीज़ है वो भी पास्ट की हो गई, उसमें भी आप हैज और हैव वी वर्ब थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन नॉट बी यूज्ड, सो प्लीज रिमेंबर इट। सो इन दिस केस अगर सेंटेंस है कि आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन यस्टरडे, इन दिस सेंटेंस यस्टरडे इज मेंशन विच इज द टाइम ऑफ द पास्ट, ये पास्ट को इंगित करता है इसलिए यस्टरडे के साथ में आप हैव सबमिटेड नहीं यूज कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकते। सही आंसर होगा आई सबमिटेड माई एप्लीकेशन यस्टरडे, तो प्लीज रिमेंबर दिस रूल दैट हैव हैज कैन नॉट बी यूज्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, सेंटेंस है द ट्रेन ब्लैंक द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे। अब यहाँ पर आपको वर्ड है गेव वे जिसकी मीनिंग समझनी होगी, ये एक फ्रेजल वर्ब है
आप लोगों को सिलेबस में बताया है वो कैब में idioms और phrases याद करने होंगे. तो phrasal verb जब दो word यानी एक verb और एक preposition मिल करके एक phrasal verb बनता है और इससे उसकी बिल्कुल basic meaning जो होती है दोनों words की अलग अलग उससे बिल्कुल भिन्न meaning इनकी हो जाती है. अब आप give भी जानते हैं और way भी जानते हैं, way का मतलब रास्ता और give मतलब देना. बट वेन गिव वे कम्स टूगेदर इसका मतलब होता है टूट जाना, कोई चीज़ जो ब्रेक हो जाए. तो ये कहता है कि द ट्रेन द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे, यानी उस टाइम में ब्रिज टूट गया. लेकिन आपको पास्ट टेंस दिख रहा है गेव, इससे आपको आइडिया लग गया कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए. तो ये एक्शन पास्ट का है. नाउ आई गिव यू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन ए कहता है पास्ट, बी ऑप्शन कहता है वॉज पासिंग, सी ऑप्शन सेज हैज बीन पासिंग एंड ऑप्शन डी कहता है विल बी पासिंग. द ट्रेन द ब्रिज वेन द ब्रिज गेव वे, गेव से पास्ट टेंस से आपको पता चल गया कि इसमें वी कांट यूज विल बी यानी ऑप्शन डी नहीं यूज कर सकते, फ्यूचर टेंस है. सी ऑप्शन कांट बी यूज क्योंकि आपको पता चल गया पास्ट की कहानी है, इसलिए हैज बीन पासिंग कैनॉट बी यूज हियर. अब गेव के क्लू के हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके पास दोनों पास्ट टेंस में है. आपको ये देखना है कि अगर ऑप्शन ए यूज करते हैं द ट्रेन पास द ब्रिज विद द, तो पास द ब्रिज का मतलब आपको समझ नहीं आता है कि वो उसी समय ठीक या उससे पहले. लेकिन बी ऑप्शन में जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉज पासिंग, इसका मतलब वो एक्शन उस समय हो रहा था. कॉन्टिन्यूअस में हमने डिस्कस किया है कि जो मोमेंट पे जिस पर्टिकुलर क्षण पे जो एक्शन हो रहा है वी विल यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर दैट. तो ये पास्ट में हो रहा है इसलिए वॉज पासिंग. सो वॉज पासिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. द ट्रेन वॉज पासिंग द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे, जिस समय ब्रिज टूटा उस समय ट्रेन उस पर पास कर रही थी. अब ऑप्शन ए में देखिए यहाँ एरर क्या है, ये कहता है द ट्रेन पास द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे, ये दोनों टेंस पास्ट में ही हो गए सिंपल पास्ट में. लेकिन आपको पता नहीं चलता इसमें कि वो ठीक उसी समय हुआ या ट्रेन पास कर चुकी थी पहले ही या नहीं किया था. अगर यहाँ पर ऑप्शन होता द ट्रेन हैड पास द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे तो ये करेक्ट होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपको मैंने बताया है कि जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाएगा और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में. तो गेव वे तो सिंपल पास्ट है इसलिए हैड पास्ट सही ऑप्शन होता, लेकिन वहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं. बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने आपको बताया कि हैड पास्ट सही हो सकता था. तो यहाँ सही आंसर है वॉज पासिंग. और याद रखेंगे पास्ट टेंस का कोई भी जब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की एंड एट दैट टाइम जो भी एक्शन हो रहा था दैट शुड बी यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि आई सॉ हिम इन द मार्केट व्हेन ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स. आई सॉ हिम इन द मार्केट, आपने उसको देखा उस क्षण वो क्या कर रहा था, सब्जियां खरीद रहा था, तो इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा. लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन. जिसमें दिस कहता है इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास कॉमा इट ब्लैंक ब्रेक. ऑप्शंस हैं विल बी, बी ऑप्शन कहता है इज, सी विल एंड ऑप्शन डी कहता हैज. सबसे पहले देखिए कि हैज़ तो नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जबकि यहाँ पे वर्ब ब्रेक लिखा हुआ है ब्लैंक के बाद में, तो इट्स आउट. इट इज़ ब्रेक नहीं कर सकते आप क्योंकि इट इज़ ब्रेक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए बी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ब्रोकन हो सकता था पैसिव वॉइस में जो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इज ब्रोकन तो नहीं लिखा हुआ है, ब्रोकन नहीं है, इसलिए अब सिर्फ ब्रेक के साथ इज नहीं आएगा. नेक्स्ट इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास इट विल बी ब्रेक. इट विल बी ब्रेक cannot be used क्योंकि पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इट विल बी ब्रोकन, तो यहाँ पर ब्रोकन नहीं लिखा हुआ इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा. इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक, अगर मैं ये ग्लास गिराता हूँ तो ये टूट जाएगा. यानी अब आपको याद करिए कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं कंडीशनल क्लॉजेज में भी, ऐसी कंडीशन जिसमें अगर कोई एक बात की जाती है तो उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा. उसमें मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी कंडीशन हम यूज़ करते हैं, कंडीशन वाला शब्द जिस क्लॉज के साथ यूज़ होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, और दूसरे पार्ट में दूसरी क्लॉज में वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. सेंटेंस में आप देखेंगे तो लिखा है इफ़ आई ड्रॉप. अब देखिए इफ़ जो है कंडीशन वर्ड है, इसके साथ जो वर्ब यूज़ किया गया है वो है ड्रॉप सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अगर मैं गिराता हूँ तो परिणाम क्या होगा, इसलिए परिणाम फ्यूचर में लिखा जाएगा वो भी सिंपल फ्यूचर में, तो इट विल ब्रेक. ओके लेट्स मूव टू सेवेंथ प्रॉब्लम. आई ब्लैंक टू सी माई फ्रेंड्स एम्बैरेस्ड फेस. अब फेस एम्बैरेस्ड फेस क्या हो गया, जिस पे एम्बैरेस्ड कुछ परेशानी कुछ शर्मिंदगी उस तरह के भाव जब होते हैं तो वो एम्बैरेस्ड.
थोड़ा सा कोई जब शर्मिंदा सा होता है या किसी चीज़ से लेकर के, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, वाज अम्यूजिंग, बी ऑप्शन अम्यूज्ड, सी ऑप्शन वाज अम्यूज्ड एंड ऑप्शन डी है हैड अम्यूज्ड। अम्यूज का मतलब होता है आनंद लेना, आनंदित हो रहे हो किसी चीज़ से, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो किसी चीज़ से, तो फ्रेंड के एम्बेरस फेस को देख करके यहाँ पर ये अम्यूज हो रहा है, आनंद ले रहा है उसको। तो सही ऑप्शन क्या होगा अगर आप देखते हैं इसमें, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है वॉज अम्यूजिंग, आई वॉज अम्यूजिंग टू सी माई फ्रेंड्स एम्बेरस्ड फेस। अब स्टेटिव वर्ब याद करिए, मैंने डिस्कस किया कि कुछ स्टेटिव वर्ब होते हैं जिनमें एक कंडीशन, एक स्टेट बताई जाती है और उसमें हम एक्शन की तरह वर्ब आई एनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं। अम्यूज एक ऐसा ही वर्ब है जिसमें आप अंदर ही अंदर, एक परसेप्शन से रिलेटेड है, आपके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, आप किसी चीज़ को, जैसे मैंने आपसे बताया था कि रिमेंबर है या नो है, आई एम नोइंग नहीं कहते हैं, आई नो कहते हैं, आई रिमेंबर आई एम रिमेंबरिंग नहीं कहते हैं, तो आई वॉज अम्यूजिंग इनकरेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि आप इस चीज़ को पहले से ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन आउट। आपका ऑप्शन बी है अम्यूज्ड, आई अम्यूज्ड टू सी माय फ्रेंड्स एम्बेरस्ड फेस। देखिए यहाँ पे वॉइस सही नहीं है, यानी आई अम्यूज्ड, अगर आप किसी और को अम्यूज करते हैं तो आप, तो सेंटेंस का कुछ मीनिंग होता है, लेकिन ये स्वयं अम्यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है, और पैसिव वॉइस अभी डिस्कस भी होगा, उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका और क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पर यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए देखेंगे कि आई अम्यूज टू सी माई फ्रेंड्स, ये सही नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट खुद ही अम्यूज हुआ। अब वॉज अम्यूज बिल्कुल सही ऑप्शन है, आई वॉज अम्यूज यानी आप अम्यूज हुए, टू सी माई फ्रेंड्स एम्बेरस्ड फेस। हैड अम्यूज इनकरेक्ट है, आई हैड अम्यूज टू सी माई फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो टेंस के हिसाब से ये फिट नहीं होता। आप किसी और को अम्यूज कर रहे हो यानी एक्टिव वॉइस के हिसाब से, तो आप हैड अम्यूज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी और को नहीं बल्कि जो सब्जेक्ट आई है वो स्वयं आनंदित, स्वयं अम्यूज हो रहा है, इसलिए सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देयर ब्लैंक मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ। तो ये दिखाता है कि देखो मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ के साथ जाते हैं या जा रहे हैं, जो भी है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, अगर हम कहें देयर गो मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ, तो ये गो सही नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका है मिस्टर शर्मा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाइफ उनके साथ विद के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये एंड होता तो मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ दोनों मिला करके आप एक उसको एक क्यूमुलेटिव सेंस में उसको सब्जेक्ट को ले लेते, लेकिन यहाँ पर मिस्टर शर्मा विद के साथ जुड़ा हुआ है उनकी वाइफ, तो वो सिर्फ उनकी, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब गो नहीं आ सकता। देयर गो मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ इज इनकरेक्ट। वेंट का यूज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इसलिए वेंट आउट हो गया। गोइंग जो है आईएनजी फॉर्म है जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ ही नहीं होता, आप चाहे प्रेजेंट में, पास में, फ्यूचर में कहीं भी यूज़ करें, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इज एम आर या वॉज वर या विल बी शैल बी अवश्य आता है। तो आपके पास ऑप्शन बी है, देयर गोज मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ, मिस्टर शर्मा जाते हैं अपने वाइफ के साथ, तो गोज इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रॉब्लम और इसको डिस्कस करते हैं, नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज। डिमाइज का मतलब डेथ। ऑप्शंस आर बी, ऑप्शन बी इज बीइंग, ऑप्शन सी इज बीइंग एंड डी ऑप्शन इज हैड बीइंग। सो सबसे पहले इस एग्जांपल को आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि यहाँ पर दो टेंस डिस्कस किए गए, और मैंने आपको एक पहले रूल डिस्कस किया हुआ है कि इफ़ टू टेंसेज आर यूज इन अ सिंगल सेंटेंस देन यू हैव टू क्रॉस चेक, अगर दोनों में सेम वर्ब फॉर्म काम कर रही है तो दिस वर्ब फॉर्म शुड बी इन अग्रीमेंट विद बोथ टेंसेस, यानी दोनों टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म यूज़ की जानी चाहिए। अगर किसी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है तो उस पार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो, और उसी वर्ब की अगर कहीं आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जानी है तो दूसरे पार्ट में वो फर्स्ट फॉर्म। एक ही वर्ब फॉर्म यूज़ करके आप दोनों टेंसेज में काम नहीं चला सकते, वी डिस्कस इट अर्लियर। तो इस सेंटेंस में आप देखते हैं नथिंग हैज़ और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज, यानी उसकी डेथ से ज़्यादा दुखद बात और कोई न हुई है और न होगी, ये कहता है ये सेंटेंस। तो आपको देखना है कि यहाँ पर बी वर्ब जो यूज़ किया गया है विल बी, तो ये फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया गया है, लेकिन हैज़ के साथ में तो आपको पता है परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। तो इस बी की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है बीन, और आपको यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट है, नथिंग हैज़ बीन
यानी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हुई और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज, कोई चीज़ भी इतनी दुखद नहीं हुई और न होगी जितनी कि उसकी डेथ है. तो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल. तो टेंसेस को कंप्लीट करने के बाद हमने डिस्कस किया इसके वो एग्जाम्पल्स जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं. अब एक पार्ट आपका और है इस टेंसेज में जो मैं अब आपको बताता हूँ. जैसे आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, हम यूज़ करते हैं इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट डज नॉट. इसी तरह से पास्ट में यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कभी कभी उसके साथ एसईएस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो नहीं यूज़ करते. इसी तरह से डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, या अगर सिंपल पास्ट में बात की जाए तो वहाँ पर आपने देखा कि हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, या अगर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज़ हुआ तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये कॉम्बिनेशन आपको याद है. अब एक बात ध्यान रखेंगे ऑल सच स्टूडेंट जिनको इसका ज्ञान है कि इज एम आर का प्रयोग भी किया जाता है और पास्ट में वॉज वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है. हाँ, इन दोनों का प्रयोग भी किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, लेकिन कब किया जाता है? उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं जब मेन वर्ब नहीं होता. देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो वन शुड हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट. देखिए अगर इस सेंटेंस में मैं एक अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ और कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ. अब ये एक सतत प्रक्रिया है तो इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया. लेकिन इस चीज को अगर मुझे इज एम आर यूज करना हो तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर. आपको पता होना चाहिए कि हम टीच जो वर्ब है उसके साथ एम का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी आई एम टीच इंग्लिश इनकरेक्ट हो जाएगा. आई एम टीच इंग्लिश हम नहीं कर सकते, आई एम अ टीचर ये आपका प्रोफेशन है. तो ये वर्ब जो एम है या इसी की तरह अन्य सब्जेक्ट के साथ में इज या आर का प्रयोग जो होता है, ये कब होता है? जब हम किसी अवस्था को बताते हैं, अवस्था यानी स्टेटमेंट को देते हैं, सिर्फ एक कंडीशन एक स्टेटमेंट बताते हैं. और पास्ट का मैं एग्जाम्पल आपको दे दूँ. अब इसमें भी यही चीज़ देखें, अगर आप पास्ट की बात करते हैं और आप कहते हैं आई टॉट इंग्लिश फॉर 10 years, इसको हमने समय लगा करके थोड़ा सा और विस्तृत करके स्पष्ट कर दिया, आई टॉट इंग्लिश ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, 10 साल फॉर 10 years, 10 साल पढ़ाया. अब इस बात को अगर आप कहते हैं वॉज वर्ब के साथ में, तो चूंकि टॉट एक एक्शन वर्ब है इसके साथ हम वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते. इसी टेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो स्टेटमेंट बताएंगे कैसे, आई वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश फॉर 10 years, वॉज अ टीचर यहाँ देखिए और आई एम अ टीचर ये स्टेट वर्ब्स हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक आपके एक्शन वर्ब हैं जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसी के सिंपल पास्ट में जाते हैं तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड नॉट का प्रयोग करते हैं. लेकिन साथ ही एक दूसरा सेट भी है कि अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट वर्ब, इनको हम कहते हैं स्टेटमेंट वर्ब. अब स्टेटमेंट वर्ब्स कौन से हैं और कैसे यूज किए जा रहे हैं इसको देखिए, यानी प्रेजेंट में अगर हम यूज कर रहे हैं तो इज एम आर, और पास्ट में यूज करते हैं तो ये होते हैं वॉज एन, तो पास्ट में होते हैं वॉज और वर और प्रेजेंट में इज एम आर. और ये केवल एक कंडीशन एक स्टेटमेंट के मात्र बताते हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं होता इसलिए एक्शन वर्ब्स के साथ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता. अब दूसरा स्टेटमेंट वर्ब देखिए, जैसे आप कहते हैं आई हैव अ कार, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें एक पोजिशन है जो आपके पास जो चीज़ है आप उसके बारे में बताते हैं कि आई हैव अ कार, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ हैव का प्रयोग हो गया. अगर आप पास्ट में इसकी बात करते हैं तो आप कहते हैं आई हैड अ कार, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ये भी सिंपली आपको सिर्फ पोजिशन को बताता है. तो इज एम आर या हैव और वॉज वर और हैड इनका प्रयोग हम दूसरे प्रकार से जाकर के एक स्टेटमेंट और एक पोजिशन को बताने के लिए भी कर सकते हैं.